हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आज ये एक शॉर्ट वीडियो है, छोटी सी। जैसे कि हमें कढ़ी बनानी होती है तो कढ़ी के लिए मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि खट्टी दही होनी चाहिए। कढ़ी जो है वो खट्टी दही से अच्छी लगती है, पर अगर हमारे पास फ्रेश दही पड़ा है, खट्टी दही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये मेरे पास 400 ग्राम फ्रेश दही है और 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है। आप बेसन अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना कि आप अपनी कढ़ी में डालना चाहते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को जो है मिक्स कर लेंगे, दही में बेसन, नमक, और आधा गिलास हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है, आधा गिलास गर्म पानी। और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके और हम इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे। पूरी रात के लिए हमें इसे छोड़ना है। मुझे कढ़ी जो है वो मॉर्निंग में बनानी है, तो मैं इस मिक्सचर को नाइट में रेडी करके छोड़ दूंगी। अगर आपको कढ़ी जल्दी है, टाइम नहीं है ओवरनाइट छोड़ने का, तो आप इसको 2 घंटे छोड़ दीजिए। 2 घंटे में भी ये मिक्सचर जो है वो खट्टा हो जाएगा, कढ़ी के लिए रेडी हो जाएगा। अदरवाइज आप ट्राई कीजिए कि ओवरनाइट छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे बना लीजिए। बिल्कुल खट्टा आपको दही मिलेगा और बहुत ही टेस्टी इससे कढ़ी बनेगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो और ट्रिक जो है ये अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे ट्राई भी कीजिएगा। और वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कढ़ी की रेसिपी देखनी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।